आ जाता है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो है सबसे पहला क्लेम फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड 10D। ये फॉर्म है जो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इन फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का अकाउंट नंबर देना होगा, जो अकाउंट नंबर KYC से आपने अप्रूवल कराया है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ एग्जिट अवेलेबल नहीं है, रीजन ऑफ एग्जिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट ने अब तक नौकरी छोड़ी नहीं है। तो हम इसका जो PF है वो PF इन एडवांस निकाल रहे हैं, वो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे PF एडवांस आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद वेरीफाई कर देना है, यस करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक आ गया है और बैंक का नाम दिखा देगा, उसके बाद प्रोसीड फॉर क्लेम पे क्लिक करेंगे आप। प्रोसीड फॉर क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म 31 आपके सामने ओनली आएगा, क्योंकि कैंडिडेट ने जॉब नहीं छोड़ी है, एडवांस PF वो निकालना चाह रहा है। तो PF एडवांस निकालने के लिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस कंपनी का कैंडिडेट PF निकालना चाह रहा है उस कंपनी को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रीजन पूछेगा आपसे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कोविड पेंडेमिक के कारण आप पैसे निकाल रहे हैं, और राशि है हम डाल देते हैं। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपने स्कैन चेकबुक या पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी है, 100 KB से ज़्यादा पासबुक का साइज़ होना चाहिए, क्लियर इसके अंदर अकाउंट नंबर वगैरह दिखना चाहिए। तो ये देखिए ये बैंक अकाउंट की कॉपी अपलोड हो गई है। उसके बाद OTP जाएगा कैंडिडेट के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, मैंने OTP सेंड कर दिया है, OTP आ गया है, OTP मैंने डाल दिया है, वैलिडेट एंड सबमिट द क्लेम कर दूंगा मैं। और ये देखिए ये हो गया है और यहाँ पर आपका जो अप्लाई का PDF है, प्रूफ है, वो आपके पास आ गया है। तो अगर इसमें रीजन कोविड पेंडेमिक रखते हैं तो लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही कई बार तो PF आ जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपका PF आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये था वीडियो PF इन एडवांस निकालने का। अगर आपकी PF से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और PF से रिलेटेड और भी वीडियोज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सभी चीज पर मैंने अलग अलग करके वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं।